नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों का हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुभी मिश्रा इस वक्त आपके साथ हूं, और मेरे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं और ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, वो मेरी बगल की खिड़की में इस वक्त मौजूद है। मनीष कश्यप जी हमारे चैनल पर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज 18 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो बिहार झारखंड का न्यूज 18 टीम है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए, और एक बार नहीं अनेकों बार मौका दिया, तो आप सभी को धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। मनीष जी, ये एक इंटरव्यू नहीं, इसे समझिएगा एक बातचीत के तौर पर। मैं भी एक पत्रकार हूँ और आप भी एक पत्रकार हैं, तो उस लिहाज से हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये 9 महीने के बाद जब आप घर लौटे तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं यहाँ पे एक बात काटना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग पत्रकार मानते ही नहीं है, मुझे यूट्यूबर कहते हैं, और ये बात सच है कि इस कड़वा सच को जो है मुझे एक्सेप्ट करना होगा। मैं एक पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं यूट्यूबर हूँ। और 9 महीना बाद मैं जेल से निकला हूँ, तो समझिए तो मेरा एक पुनर्जन्म हुआ है। और मैं जेल नहीं गया था, मैं वनवास गया था, अज्ञातवास गया था। और वनवास और अज्ञातवास जाने के बाद वहाँ से चाहे राम लौटे हो चाहे पांडव लौटे हो, धर्म का स्थापना हुआ है। तो ये धर्म युद्ध हम लोगों का जारी रहेगा। जो अधर्मी लोग हैं, जो बिहार के भोले भाले गरीब लोगों का हक मार ले रहे हैं, लूट जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। मनीष खुद को क्या मानते हैं, क्योंकि अभी भी आपने कहा कि मैं यूट्यूबर हूँ, पत्रकार नहीं हूँ, लोग ऐसा कहते हैं, आप खुद को क्या मानते हैं? मैं अपने आप को एक सोशल रिफॉर्मर मानता हूँ, मैं अपने आप को। लेकिन मेरे मानने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया किस नजर से देखती है उससे फर्क पड़ता है। तो दुनिया के नज़र में 99% लोग जो है मुझे यूट्यूबर ही मानते हैं और बड़ा प्यार देते हैं। और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूँ तो ग्लानी महसूस होगा, मुझे प्यार देते हैं एज अ यूट्यूबर। कुछ लोग पत्रकार भी मानते हैं, तो समझिए तो मैं एक यूट्यूबर ही हूँ। जी, घर आने के बाद मनीष ने क्या खाया? जाहिर सी बात है कि घर जब आप आए होंगे तो बहुत तैयारियां की गई होगी, वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई है और हमने भी देखा कि कितनी तैयारी की गई थी आपके घर पर। क्या कुछ खाया मनीष ने जब माँ के पास पहुंचे, तो कुछ तो जरूर बना होगा खास? देखिए, पिछले 4 दिन से मेरे घर पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हम लोगों का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है। को आप स्टूडियो में बैठी हैं, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ, एक बार मेरे घर पे आइए और मेरे घर का हालात देखिए। मेरा अकाउंट सब सीज है, सब फ्रिज है, सब कुछ। आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है, उसके बावजूद जो है 4 दिन से मेरे घर पे हर दिन जो है 1000 लोगों का खाना बनता है हर दिन। बस कहाँ से पैसा आता है, कौन देता है, कौन राशन लेके आता है, कौन पनीर लेके आता है, कौन दाल लेके आता है, कौन सब्जी लेके आता है, कौन आदमी टेंट दिया है, कौन आदमी लाइट दिया है, कौन सा आदमी कुर्सी दिया है, मुझे नहीं पता है। लेकिन सबके लिए व्यवस्था है, सब लोग जो खा रहे हैं वही चीज मैंने खाया और वही चीजें जो है मेरी माँ ने मुझे खिलाया। जो मिठाई खिलाया, सब लोग जो मिठाई खा रहे हैं वो मिठाई खाया मैं, और जो सब्जी वब्जी बना था, जो चावल दाल बना था, जो हम लोग नॉर्मली जो खाते हैं वही खाना खाएं, क्योंकि हम लोग राजा परिवार में तो पैदा हुए नहीं है। हम लोग जिस परिवार में पैदा हुए हैं वहां पे संघर्ष में ही पैदा होना है, पूरा जिंदगी संघर्ष करना है और संघर्ष में ही मर जाना है। तो ये संघर्ष जारी है, और जेल से निकलने के बाद जो नॉर्मल जो है हम लोगों के घर में पकवान बनता है वही पकवान बना था। मनीष, 9 महीने का वक्त कम नहीं होता है, जेल में आपने 9 महीने का वक्त बिताया है, और उस जाहिर सी बात है कि वहाँ अकेलापन होगा, आप खुद को जी रहे होंगे, अपने आसपास के लोगों को देख रहे होंगे। अकेलेपन में लोग खुद को ज्यादा समझ पाते हैं, खुद को ज्यादा जान पाते हैं। मनीष ने खुद को कितना जाना है, कितना समझा है खुद के बारे में? देखिए, मुझे तो सबसे अलग रखा गया था एकदम, किसी से मिलना जुलना ये सब चीजें जो है नहीं हो पाता था। शायद ही संयोग से मैं किसी से मिल पाता था,
तो मैं किताब पढ़ता था, मैं रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी पढ़ा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी का जीवनी पढ़ा, उनका कविता पढ़ा, हरिशंकर परसाई जो हैं एक राइटर है, सरकार से सवाल करने वाले राइटर हैं, तो उनका मैं किताब पढ़ा, अटल एपीजे अब्दुल कलाम का किताब पढ़ा, और जब मैं तमिलनाडु में था तो 4 या 5 पेपर मैं इंग्लिश में पेपर आता था, वहाँ हिंदी तो आता नहीं था और तमिल मुझे समझ में नहीं आता था, तो इंग्लिश पेपर पढ़ा करता था। जब मैं पटना बेउर में आया तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जो आता था उसे मैं लेता था, और जो भी पेपर है दैनिक जागरण, भास्कर, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, जो भी पेपर बिहार में आता सारा पेपर लेता था, और सुबह से शाम तक पेपर पढ़ता था, और आप लोगों का चैनल देखा करता था कि ब्रेकिंग में बिहार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जी। तो जब मैं चैनल देखता था तो घबरा जाता था। जब आप लोग सुपर 100 चलाते हैं, 100 खबर चलाते हैं जब आप लोग, तो 100 में से जब बिहार का खबर चलाते हैं, अगर सुपर 100 100 चलता है तो 100 में से 90 खबर ये रहता था कि यहाँ पे चोरी हुआ, यहाँ पे घर में डकैत हुआ, यहाँ पे किसी के ऊपर ट्रक चढ़ गया, यहाँ पे शराब तस्करों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीटा, यहाँ पे हत्या हो गया, यही सब खबर होता था। और 10 खबर पॉलिटिकल, इस नेता ने इस नेता को आग लगाने की बात कही, ये कही वो कही, पॉजिटिव खबर होता नहीं था। पॉजिटिव खबर वो आप लोगों की गलती नहीं है, कुछ पॉजिटिव होगा तब तो आप दिखाएंगे, आपका तो काम है दिखाना, जो हो रहा था वो ईमानदारी पूर्वक आप लोग दिखा रहे थे। कभी भी ये खबर नहीं होता था कि 10,000 करोड़ का इंडस्ट्री बनेगा, 15,000 करोड़ का इंडस्ट्री बनेगा, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, उतने लोगों को। हाँ, रोजगार का खबर आता था, उसके साथ ये आता था कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, ये समस्या हो गया। तो ये चीजें होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए, और जब बिहार सरकार अच्छा काम करेगा तो हम पत्रकार अच्छा दिखाएंगे, सरकार अच्छा काम नहीं करेगा तो हम कहाँ से दिखाएंगे, अपने घर से तो लेके नहीं आएंगे। अब हत्या हुआ है वहाँ पे तो ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, बस 2 लाशें गिरी, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। तो ये चीजें देख के बहुत परेशान होता था मैं कि अपना बिहार जो है कहाँ पहुँचना चाहिए था, ये मगध, ये अखंड भारत का न्यूज जो है बिहार से पड़ा था, दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी बिहार में, लोकतंत्र का पाठ बिहार ने सिखाया, लड़ना जो है वो बिहार में पैदा होकर गुरु गोविंद सिंह ने सिखाया हम लोगों को कि कैसे लड़ना है, ज्ञान जो है वो गया से मिला, पहाड़ को तोड़ना दशरथ मांझी ने सिखाया, 80 साल के बुढ़ापा में भी जवानी का एहसास हमें वीर कुंवर सिंह ने कराया, हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आखिर जो है कैसे हम अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे बिहार की ख्याति देश भर में है और बिहार ने हमें बहुत कुछ दिया है और आज भी हम उसके ऋणी हैं। मनीष, क्या आप हमें ये बताएंगे कि जेल में आप और क्या कुछ किया करते थे? जाहिर सी बात है आप क्योंकि यूट्यूबर हैं तो बहुत सारे कंटेंट को आपने समझा होगा, देखा होगा, और साथ ही साथ क्या आपको गीत संगीत का भी शौक है? नहीं, गीत संगीत कुछ गाने भी सुनते थे या गाने गुनगुनाते हूं आप? गीत संगीत नहीं देखता था और ना ही शौक है, ना ही फिल्म उल्म का शौक है। अगर रूम में रहता था तो 1 घंटा पर डे योगा कर लेता था, उससे थोड़ा सा शांति मिलता था, और मतलब कि कुछ खेलने वाले का तो कोई संसाधन था नहीं चूंकि अलग रखा गया था, तो योगा मनीष जी ये बताइए कि क्या कभी ऐसा लगा, क्योंकि आप पूरे 9 महीने वहां रहे, अकेली रहे, बहुत सारी चीजों पर आपने चिंतन मनन किया होगा, क्या कभी ऐसा लगा कि वाकई मुझसे भूल हो गई है? क्योंकि बहुत सारे आरोप आप पर लगे, फेक वीडियो के आरोप लगे, तो कई बार ऐसा होता है कि मानवीय भूल के कारण कुछ ऐसा हो गया हो गलती से, तो क्या कभी आपको इसकी इसका मलाल रहा कि मुझसे किसी तरह की कोई गलती हुई है? सीबीआई जांच की मैं मांग करूंगा और हाईकोर्ट में अप्लाई भी करने वाला हूँ कि आखिर तमिलनाडु में हुआ क्या था, और आखिर जो है अगर मनीष कश्यप जेल गया तो मनीष कश्यप से पहले जिन लोगों ने खबर दिखाया उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? एक्चुअल में वहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ था, ठीक है, वो सच्चाई सबको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं टीवी चैनलों पे अगर बोल दूंगा तो मेरे ऊपर फिर से FIR हो जाएगा। लेकिन कोई मानवीय भूल नहीं था, सत्य ये बात है कि बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाके परेशान होते हैं, और चलिए जमीन पे चला जाए, आप और मैं दोनों लोग चला जाए और पूछा जाए दूसरे राज्य में जो मजदूरी करते हैं उन्हें किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। मैं जेल में था, जहानाबाद में 6 लोगों का बॉडी आया था, तमिलनाडु से ही आया था, कैसे लोग मरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके तह तक क्यों नहीं पहुंचा गया,
मझवलिया थाना में परसा एक गांव है, वहां पे भी एक बॉडी आया था, तमिलनाडु से ही आया था। क्यों आया था, क्यों हम लोग तह तक नहीं पहुंचे, उनके परिवार को क्या मिला क्या नहीं मिला, तो ये सारी चीजें हैं। बस सरकार को लगता था कि मनीष कश्यप हम लोगों के बीच का रोड़ा है, क्योंकि मनीष कश्यप बोलता था पुल गिरेगा और पुल गिर जाता था, उसमें लोग दब के मर जाते थे। तो ये बहुत बड़ा बड़ा करप्शन का उजागर करता है, तो सबसे पहले इसको साइड कर दो, अगर इसको साइड नहीं करोगे तो हम लोग अपना पेट नहीं भर पाएंगे। इसलिए सरकार ने जो है मेरे ऊपर गलत आरोप लगा के मुझे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया, और मेरा कोई मानवीय भूल नहीं था, मैंने जो भी दिखाया तथ्य के आधार पे। तथ्य क्या माना जाएगा आप ही बताइए सुभि जी, तथ्य गूगल को नहीं मानेंगे हम, तथ्य इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को नहीं मानेंगे, तथ्य प्रिंट मीडिया को नहीं मानेंगे, तथ्य सोशल मीडिया को नहीं मानेंगे, तो मानेंगे क्या चीज तथ्य? नेताओं के भाषण को तथ्य नहीं मानेंगे तो क्या चीज को तथ्य मानेंगे? नेताओं ने बोला सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आया, प्रिंट मीडिया में आया, गूगल पे सर्च करने पे वो घटना के बारे में दिखाया गया, उसके बाद से मैंने बताया। तो उन सारे तथ्यों के आधार पे मैंने खबर दिखाया, तो वो सारे तथ्य वाले लोगों के ऊपर FIR नहीं हुआ और मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया, तो मानवीय भूल तो नहीं था मेरा। जी मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यूट्यूबर की दुनिया में आपका बहुत बड़ा नाम हो गया है, क्योंकि आप जैसे ही 9 महीने बाद बाहर आए तो हमने भी देखा कि कैसे लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई बस आपकी झलक पाने के लिए। और खासकर आपका जो अंदाज है अपनी चीजों को दिखाने का, अपनी बातों को लोगों के सामने रखने का, वो सबसे अलग है। और यही वजह है कि आपकी इस कामकाज की शैली पर लोग आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि पत्रकारिता के लिहाज से वो शैली ठीक है, क्योंकि आप जहां भी जाते हैं वहां की चीजों को दिखाते हैं, अपनी बातों को उजागर करते हैं, लेकिन बतौर पत्रकार अगर मैं बात रखूं तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ सवाल पूछने का हक है, जवाब या जांच पड़ताल ये किसी तरह की टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये शैली आपकी सही है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार का काम सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछना नहीं, सवाल पूछ के अगर हम लोग छोड़ दिए तो फिर हमने अपना आधा धर्म निभाया। आधा धर्म पूरा पत्रकारिता का धर्म तब जाके होगा कि हमने जो सवाल पूछा है उससे बदलाव कितना हुआ है और सच में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं पूरा धर्म निभाता हूँ। और हाँ, जिन लोगों को मैं पत्रकार नहीं लगता हूँ तो पत्रकार ना सही, मैं यूट्यूबर ही हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ और समस्या का समाधान कराने का प्रयास करता हूँ, तो थोड़ा सा मेरा लेकिन तरीका मनीष अलग है। जी आप पर ये आरोप लगते रहे कि आप मौके पर ही पत्रकार भी बन जाते हैं, जांच एजेंसी भी बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि ये आपकी काम करने की जो शैली है, जो चीजों को दिखाने की शैली है वो सही है? देखिए आपके आंखों के सामने, आप अस्पताल में चलिए मेरे साथ, आप अपना कैमरा ऑन रखिएगा, एक बार मैं कमाल की चीज मैं दिखाऊंगा। आप बिहार का कोई भी सरकारी अस्पताल चुन लीजिए, कोई भी सरकारी अस्पताल, आप और मैं दोनों आदमी चलेंगे, आंखों के सामने लोग मरते रहते हैं मैडम, और मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा आपके आपके सामने कि इनका इलाज कर दीजिए ना प्लीज, अगर इलाज नहीं कीजिएगा तो मर जाएंगे, ये इलाज नहीं कीजिएगा तो मर जाएंगे, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा। मैं अपने जगह पे दूसरे को भेज दूंगा, मेरा चेहरा देख के डर जाता है सब, खौफ में आ जाएगा, मैं बोलूंगा इलाज कर दो तो कर देगा सब, मैं भेजूंगा, आप स्टिंग कीजिएगा, दिखाया जाएगा, आंख के सामने मरीज दम तोड़ देता है लेकिन ये लोग इलाज तक नहीं करते हैं। तो राम जी जब श्रीलंका में जा रहे थे तो समंदर के आगे बैठ के उससे रास्ता मांगने का गुहार कर रहे थे, तो समंदर ने रास्ता नहीं दिया, तो राम ने बोला लक्ष्मण से कि लक्ष्मण अब इसको उसी के भाषा में समझाना पड़ेगा, और राम ने कहा गयो 3 दिन बीत और भय भी न होत न प्रीत। तो रिक्वेस्ट कर करके हम लोग जब थक जाते हैं तब हम लोग जो है एग्रेसिव तरीके से चीजों को दिखाते हैं ताकि समाधान हो। बहुत सारे अखबारों में छपा छपरा वाला जो 4-lane road है छपरा से हाजीपुर 13 साल में नहीं बना है, हाजीपुर और सोनपुर को जोड़ने वाला जो पुल है वो 13 साल में नहीं बना, पटना और गया को जोड़ने वाला, डोभी को जोड़ने वाला जो रोड है वो ना जाने कितने सालों से नहीं बन रहा है। जब वहां पे जाते हैं हम लोग दिखाते हैं उस चीजों को और दिखाने के बाद उसको भूल जाते हैं तो गलत है। मैं जाता हूं उसी चीज को अलग तरीके से दिखाता हूं, कुछ लोगों को वो तरीका पसंद नहीं है मैं मानता हूं, उनसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन उस तरीके के वजह से इम्पैक्ट होता है, असर पड़ता है, बदलाव होता है। गया वाले रोड का भी मैंने वीडियो बनाया था, हाजीपुर वाले रोड का भी मैंने वीडियो बनाया था, और दोनों रोड पे जो है हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है,
पता कीजिए। और सिर्फ मेरे दिखाने की वजह से नहीं, अखबार ने भी दिखाया, आपका भी चैनल ने दिखाया, सब चैनल ने दिखाया, तो सब अपना अपना तरीका से अपना अपना काम कर रहे हैं। बस हम लोगों का मकसद ये होना चाहिए कि हमारे तरीके से जो है ना समाज का भला हो, बस इतना ही। मनीष जी, आप बहुत ही लोकप्रिय यूट्यूबर हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो जिम्मेदारी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और अब जब आप 9 महीने बाद बाहर आए हैं तो ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आरोप जो आप पर लगे उससे क्या आपको लगता है कि आपकी छवि पर भी कोई असर हुआ होगा? जितने लोग पहले आपके साथ थे, जो प्रशंसक आपके साथ पहले थे, वो अब भी आपका साथ देंगे? उससे 100 गुना ज्यादा प्रशंसक अब मेरे साथ हैं। और आप बताइए, अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी वाला अगर गाड़ी नहीं रोकता है या एम्बुलेंस नहीं आता है, तो उसको अस्पताल कैसे पहुंचाएंगे? तो उसके लिए वो तरीका अपनाना पड़ेगा, अरे गाड़ी रोक 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 जल्दी रोक, कभी कभी मुंह से कुछ निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति का जान बचाना है और उसको जो है गाड़ी में बिठा के अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा ही होता है हम लोगों के साथ भी, कभी कभी हम लोग प्यार से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं होता है तो फिर जो है हम लोगों को एग्रेसिव होना पड़ता है। आप बताइए, मनीष कश्यप ने मगध यूनिवर्सिटी में वीडियो बनाया, तो वो वीडियो गलत हो गया क्योंकि तरीका उसका गलत था। अब मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व VC के घर पे 3.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया, तो कौन वो तरीका सही था बताइए? मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया तो गलत हो गया, और जहरीला शराब से बिहार में लोग मर जा रहे हैं, तो कौन सा वो तरीका सही है बताइए? किसी दिन आपके रिश्तेदार, किसी दिन आपके दोस्त, किसी दिन आपके परिवार वाले कोई भी ये गलत चीज का शिकार हो सकता है। ध्यान से समझिएगा एक बात को आप, सुगौली रेलवे स्टेशन पे एक बच्ची जो है चढ़ती है, अपने उम्मीदों के हौसलों से जाती है कि सोचती है कि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, और 5,000 का मोबाइल उसका छीनने के लिए उसको धक्का मार दिया जाता है, वो ट्रेन से गिर जाती है, उसका पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, सही समय पे उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता, या पहुंचाया भी जाता है, 3 दिन बाद वो दम तोड़ के मर जाती है। उस जगह पे आप रहिएगा तो क्या कीजिएगा? आपका पत्रकारिता आपके आड़े आएगा कि इंसानियत के नाते सबसे पहले उसको बचाने का प्रयास कीजिएगा? वही मैं काम करता हूँ, मैं जमीन पे रहता हूँ मैडम, हम लोगों को बहुत सारी समस्या होता है। लेकिन हम समझ रहे हैं, बहुत सारी भावनाएं भी इसी बात को लेकर मैं आपसे चर्चा कर रही थी कि कई दफा ऐसा होता है कि जब हम भावनाओं में रहते हैं, जब इस तरह की सामने सिचुएशन होती है, तो हम अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाते हैं, और उन भावनाओं में बहकर कुछ बातें ऐसी रख दी जाती है जिसकी वजह से इस तरह का ये जो आरोप आप पर लगता आया है, चाहे फेक वीडियो की बात कर ली या तमाम चीजें जो आपके साथ हुई है, तो क्या आपको लगता है कि आप ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं या उसकी वजह से इस तरह की समस्या आती है? मैं बह जाता हूँ, मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूँ वहाँ के लोगों के दिल में भावना बहता है। मेरे गांव में 3 तरफ से नदी बहता है और मेरे गांव के लोगों के दिलों में भावना बहता है, भावनाओं में हम लोग बह जाते हैं। जैसे नदी में जब बाढ़ आता है तो हमारे गांव का फसल बह जाता है, तो हम लोग भावनाओं में बहने वाले लोग हैं, और उस बहाव में कभी कभी नुकसान भी होता है। जैसे बाढ़ आता है तो फसल को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूं तो मुझे भी नुकसान होता है। लेकिन मुझे इस बात का कतई अफसोस और गम नहीं है कि मैं भावनात्मक आदमी हूँ, मुझे कतई अफसोस और गम नहीं है। कुछ बुद्धिजीवी लोग मुझे बुद्धिजीवी ना माने चलेगा, लेकिन मैं अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं करूंगा। मैं दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचने वाला आदमी हूँ, मुझे जो दुनिया जो सोचे फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा पहले था वैसे अभी भी रहूंगा, और जैसे पहले गरीब लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए, छात्र लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए आवाज उठाता था, अभी भी मैं वैसे ही भावनाओं में बह के दिल से सोच के आवाज उठाता रहूंगा। मनीष, अब जब आप बाहर आ गए 9 महीनों के बाद, तो बहुत सारे लोग आपको एक राजनीतिज्ञ के रूप में देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको राजनीति के क्षेत्र में जाने की बात आपके लिए कही भी जा रही है, तो क्या हम ये मान लें कि अब जो ये यूट्यूबर है उसमें बदलाव आने वाला है? आगे की कोई ऐसी प्लानिंग है कि आप राजनीति में जाएंगे? मेरे घर में कोनो विधानसभा या लोकसभा का कुर्सी नहीं था, जो भुला गया है तो हम उसको खोजने के लिए निकल जाएंगे। और मैं राजा का घर का राजकुमार नहीं हूँ, वो उसका टेंशन जो है वो लोग लेंगे जो राजा के घर में पैदा हुए हैं, राजकुमार लोग हैं,
वो लोग लेंगे। मैं जो काम करता था वो आज भी कर रहा हूँ, जेल जाने से पहले भी करता था और भविष्य में भी वही काम करता रहूंगा। माइक और मनीष कश्यप की दूरी बढ़ेगी नहीं, बस इतना समझ जाइए। वाकई तो मनीष का ये काम लगातार जारी रहेगा और इसके साथ साथ मनीष और आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि 9 महीने के वक्त में आपकी बहुत सारी चीजें पेंडिंग रह गई होगी, तो आगे के कुछ दिनों की क्या प्लानिंग है आपके तरफ से, कैसे यूट्यूब को फिर से रिवाइव करेंगे, कैसे दोबारा से शुरुआत की जाएगी? अब मैं तो अभी जीरो पे खड़ा हूँ और फिर जीरो से मुझे शुरू करना है। आपने इस वीडियो में 9 महीना 9 महीना बहुत बार बोला है। 9 महीना में किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी वाकई मैं इसीलिए इसकी चर्चा बार बार कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि इस 9 महीने के वक्त में बहुत सारे बदलाव आपके ही जीवन में नहीं, आपके परिवार वालों के जीवन में भी आए होंगे, तो इससे आपकी भी जिंदगी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुई होगी। तो अब जब नई शुरुआत करनी है, एक बार फिर से नए जीवन की शुरुआत होनी है, तो क्या कुछ करने जा रहे हैं मनीष? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या दुनिया के किसी भी धर्म को मानने वाले लोग या दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों का जन्म जो है डॉक्टर के हिसाब से, साइंटिफिक हिसाब से 9 महीना में ही होता है। मैं भी 9 महीना बाद जेल से निकला हूँ और मेरा पुनर्जन्म हुआ है। बस लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही मैं लगातार जो काम करता था वो करता रहूंगा। और जेल में मैंने 9 महीना के अंदर बस इतना ही सोचा कि बस टूटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बिहार में जो हिमालय से भी ऊंचा भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ है उसे तोड़ के दिखला देना है, तो जो भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ है उसे तोड़ने का मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा। मनीष जी, आपके जैसे जो यूट्यूबर हैं उन्हें आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आज आपके साथ ऐसी परिस्थिति आई है, कल कुछ और युवा जो आपकी तरह ही आगे बढ़ना चाहते हों, अगर उनके सामने कोई इस तरह की कोई परिस्थिति आए तो उन्हें कैसे इसका सामना करना है, क्या संदेश देंगे तमाम यूट्यूबर्स को? और मैं सभी यूट्यूबर से विनती करना चाहूँगा कि आप लोग जो भी खबर दिखाएं उस खबर से समाज में अच्छा बदलाव होना चाहिए, बस इतना याद रखें। और उस अच्छे बदलाव के लिए अगर कभी कभी आपको समस्या भी हो तो उस समस्या के लिए भी तैयार रहें। अगर उस समस्या के लिए आप तैयार रहेंगे, उसका समाधान के लिए तैयार रहेंगे, उसका रास्ता ढूंढने के लिए तैयार रहेंगे, अच्छा बदलाव के लिए तैयार रहेंगे, तभी आप यूट्यूबर बने। वरना गाली दे के भी लोग जो है 30 मिलियन 40 मिलियन सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लेते हैं। मैं किसी का नाम नहीं रखना चाहता हूँ, वो भी अपना काम जो है अच्छे ढंग से करते हैं जो भी यूट्यूबर है, लेकिन उनके पास 30 मिलियन 40 मिलियन सब्सक्राइबर है। आप भी यूट्यूब पर जाके देख सकती हैं, सिर्फ गाली देते हैं लोग, गाली देते हैं लोग, लेकिन वो भी कमाल का काम है कि गाली देना और उसके बाद भी सब्सक्राइबर गेन कर लेना, ये कमाल का काम है। तो जो भी काम यूट्यूबर कर रहा है वो ईमानदारी से करे, लेकिन उसका मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसके वीडियो से समाज में अच्छा बदलाव हो, बुरा बदलाव नहीं होना चाहिए। और कभी कभी समस्या आ जाए तो उस समस्या से पार पाने का उसके अंदर हिम्मत और हौसला होना चाहिए, तभी वो यूट्यूबर बने। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, हम आशा करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की। अब जब आप बाहर हैं तो बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आए और बहुत सारा बदलाव आपके जरिए बिहार में हो, इसकी उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। नमस्कार। न्यूज 18 के दर्शक को और सुभी मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।